हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई गौरव में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्कल के बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखा था, उसके फार्मूले देखे थे कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, रेडियल सेक्टर क्या होता है। आज हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। और नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं ज़्यादा कराऊंगा आज, क्योंकि आज प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पर। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन में कह रहा है, मेरे भाई कह रहा है, लाइव नहीं है सर, रिकॉर्डेड है, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक घड़ी के मिनट की सुई, देखो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, कह रहा है एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। दो बजकर चालीस मिनट तक सुई द्वारा चला गया क्षेत्रफल बताइए। तो बात को समझिएगा आप, जैसे मान लो ये एक घड़ी है, ठीक है भाई, मान लो ये एक घड़ी है, घड़ी में यहाँ पे बजा है 12, यहाँ पे बजा है 6, यहाँ पे बजा है 3, यहाँ पे बजा है 9, यहाँ कितना होता है 1, ये 2, ये कितना है 4, ये है 5, ये है 7, ये है 8। अब कह रहा है दो बजकर कितने मिनट हुए हैं भाई, 2 बज के 5 मिनट से, मतलब मिनट की सुई यहाँ पे है, अब मिनट की सुई यहाँ आ गई, 2 बजकर 5 मिनट से 2 बजकर 40 मिनट के बीच एरिया निकालना है, और इसके मिनट हैंड की सुई की लंबाई दिया है, मतलब हमें क्या दिया है, हमें रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर हमें रेडियस दिया है मेरे भाई, 3.5 सेंटीमीटर क्या दिया है, रेडियस दिया है, ठीक है ना। और इसमें क्या है बताओ, कितना एंगल बनाएगी घड़ी, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 2 बज के 5 मिनट से 2 बजकर 40 मिनट के बीच घड़ी की सुई, मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो करेंगे कैसे, तरीका हमारे पास है, क्या है मेरे भाई, हमें पता है कि एक 60 मिनट होता है, एक घंटे में 60 मिनट में घड़ी की सुई जो होती है ना, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है भाई, 360 डिग्री का। हमें एंगल चाहिए कितने मिनट का, कितने मिनट का चाहिए, 5 से लेकर 40, मतलब 35 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 35 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60 × क्या, 35, कटेगा कितनी बार, 6 बार, 6 का 35 से गुणा 210 डिग्री, 210 डिग्री का एंगल बनाएगी, थीटा की वैल्यू हमें पता चल गया 210 डिग्री। अब हमसे पूछा है एरिया, तो मेरे भाई एरिया का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, बताइए क्या होता है एरिया का फार्मूला, एरिया का फार्मूला होता है θ/360 × πr². तो θ/360 × πr² ये होता है फार्मूला। तो मेरे भाई थीटा कितना है, थीटा है 210/360, पाई की वैल्यू 22/7 × r², r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 3.5 × 3.5, तो देखो 3.5 कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कटेगा 11 बार, और ये कट गया, 3 से कटेगा 12 बार, 3 से कटेगा 7 बार, और कटेगा भाई, और नहीं कटेगा, तो इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना होगा 77 × 3.5/12, सही है ना, 3.5, ये कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 11, मल्टीप्लाई करा दो इसको, 7/2 लिख सकते हैं, डबल करोगे 7, या फिर मल्टीप्लाई 35 का 7 से गुणा, 30 का 7 से गुणा 210, 7 का 5 से गुणा 35, 210, 35, 245, 245 कैरी आया 24, फिर 245 कैरी आएगा 24, जोड़ दो 269 यहाँ लिख दिया, पॉइंट आ गया 12, इसी को आंसर लिख लेना, ये आएगा एरिया, एरिया आपका क्या आएगा 269.5/12 cm². इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 72 पाई मीटर है, 72 पाई मीटर है। इसके बाहर के चारों ओर 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ता को बाहर से घेरने में कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक मैदान है, मान लो ये एक मैदान है, ठीक है भाई, ये एक मैदान है, इसकी परिधि दिया है, परिधि दिया है, परिधि कितनी है, परिधि है 72 पाई। सरकमफ्रेंस कितनी है मेरे भाई, 72 पाई। और परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर 72 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से कटेगा कितनी बार, 36 बार। रेडियस आ गया 36 मीटर। जो आयताकार मैदान है उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या है 36 मीटर। अब कह रहा है इसके बाहर के चारों ओर, बाहर के चारों ओर 6 मीटर चौड़ा रास्ता है, बाहर के चारों ओर 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो एक मैंने बना दिया रास्ता, ये 6 मीटर चौड़ा है, ये जो है ये 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। और इसकी रेडियस हमें पता है, रेडियस कितनी पता है भाई, रेडियस पता है 36 मीटर, रेडियस पता है 36 मीटर। और हमसे पूछ रहा है मैदान को घेरने के लिए, रास्ते को घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, ऐसा हमसे पूछा है, ऐसा हमसे पूछा है। तो देखो, जो तार घेरा जाएगा वो इसके बाउंड्री पर घेरा जाएगा, बाउंड्री पर घेरा जाएगा, इसका मतलब है मेरे भाई, अच्छा इसकी इनर रेडियस ये है तो आउटर रेडियस कितनी होगी, टोटल अगर करेंगे तो आ जाएगा 42 ही आएगा ना भाई, 42 मीटर। आउटर रेडियस 42 है, तो तार की लंबाई कितनी, तार की लंबाई की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हम लिखते हैं तार की लंबाई बराबर 2πR। एक सर्कल बनेगा, कितना होगा भाई, 2π का मान 22/7, आर का मान कितना 42, ये कटेगा 6 बार, 22 का डबल 44 × 6, मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 24 = 2, 6 × 24 = 2, 26, 266 मीटर तार की आवश्यकता होगी। बाउंड्री को घेरने के लिए 266 मीटर तार की आवश्यकता होगी। इस टाइप में हम क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि रास्ता तो यही बना है ना भाई, रास्ता तो आपका यही है, इसी को घेरने के लिए कितना 266 मीटर तार की आवश्यकता होगी। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टाइप में। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ चुका है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है एक पहिए का व्यास है कितना है मेरे भाई, 42 सेंटीमीटर है, तो यह 12 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। जो पहिया होता है वो सर्कुलर होता है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है पहिया, जितना उसकी परिधि होती है। तो देख लो भाई, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होता है मेरे भाई 2πr, कितना होता है 2πr, और पाई का मान पता है 22/7, आर दिया है, आर कितना है, डायमीटर दिया है, व्यास दिया है 42, तो रेडियस होगा 42 का आधा करोगे तो आएगा 21, कट जाएगा 3 बार, 3 का डबल 6, 6 का मल्टीप्लाई 22 से करोगे तो आएगा 132 सेंटीमीटर। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, 132 सेंटीमीटर। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है मेरे भाई, हमसे ये पूछा है कि 12 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, 12 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो 12 चक्करों में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा भाई, एक चक्कर में कितनी दूरी तय किया, 132, तो 12 चक्कर में 132 × 12, ये सेंटीमीटर है, 12 का मल्टीप्लाई 12 का डबल 24, 12 का 13 से गुणा 156, 156 में 2 जोड़ दो 158 सेंटीमीटर में आया। ऑप्शन हमें दिया है, ऑप्शन जो दिया है वो मीटर में दिया है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दो,
15.84 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शायद है, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, राइट आंसर है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखते हैं कौन आंसर करता है अगला क्वेश्चन। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है एक वृत्ताकार फुलवारी की चारों तरफ समरूप चौड़ाई का एक रास्ता है। एक वृत्ताकार फुलवारी है जिसके चारों ओर एक रास्ता है। यदि बड़े एवं छोटे वृत्त की परिधि में 44 मीटर का अंतर है तो रास्ते की चौड़ाई बताओ। तो देख लो भाई, ये क्या है, ये एक वृत्ताकार फुलवारी है, इसके चारों ओर रास्ता है। रास्ता ऐसा दिया है, ये रास्ता है भाई, इसकी चौड़ाई हमें दिया है। चौड़ाई पूछा है या दिया है देखते हैं भाई। ये रास्ता है, अब कह रहा है इसके परिधि का अंतर। परिधि का अंतर कितना है मेरे भाई, परिधि का अंतर हमें दिया है 44। मान लो ये इनर रेडियस स्मॉल आर है और कैपिटल आर जो है ये आउटर रेडियस है। तो बात को समझिए, हमें डिफरेंस दिया है। डिफरेंस कितना दिया है, 44 मीटर। 44 मीटर डिफरेंस है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2π कैपिटल आर माइनस 2π स्मॉल आर बराबर 44। क्या ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई, ऐसा हम लिख सकते हैं। और 2π यहां पे कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा 2π कॉमन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 44। पाई का मान हमें पता है 2 × 22/7, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 44। तो ध्यान देना भाई, 22 × 44 ये कट गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 44। 44 मीटर इज द राइट आंसर। 44 नहीं, ये कट गया, कितना आएगा, 7 आएगा। 7 कितना आएगा भाई, 7 आएगा। 7 मीटर आपका क्या होगा, रास्ता होगा, रास्ते की चौड़ाई होगी। क्योंकि बड़े वाले रेडियस से छोटा वाला रेडियस घटाओगे तभी चौड़ाई आएगी 7। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी मेरे भाई, 7 मीटर होगी। इस टाइप में हम क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। ठीक है भाई, हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो भाई देख लो, एरिया पूछा है, एरिया जो होगा ना वो दो छोटे छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। और इसका एरिया मान लो, इसका एरिया मान लो हमें पता है पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया मान लो क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर ये होगा पाई आर वन स्क्वायर, ये होगा पाई आर टू स्क्वायर। पहले वाले वृत्त की त्रिज्या मैंने आर वन माना, दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या मैंने जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर, हाँ त्रिज्या दिया है, आर वन का मान 12 है, आर टू का मान 5 है। अब क्या है, इनकी वैल्यू अगर पुट करोगे तो ध्यान देना, पाई से पाई सब कट गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर 25, ये होगा 169। आर स्क्वायर बराबर 169, आर का मान आ गया 13। आर का मान अगर 13 आ गया तो हमसे पूछा है त्रिज्या, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा, 13 सेंटीमीटर आपका क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी लेखपाल या यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में आ सकते हैं, और ऐसा ही एग्जाम आपको, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एसएससी में भी मिलता है। ठीक है ना भाई, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलते, टफ क्वेश्चन आगे हम लोग देखते चलेंगे। जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, आप देखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बात को समझना और ट्राई करिए एक बार। अगला क्वेश्चन आपके पास 36 सेकंड का टाइम है, देखते हैं कौन कर पाता है।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 176 मीटर है। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल सर्कुलर पाथ फील्ड इज 176 मीटर। मैदान के बाहर एक सड़क है, जिसकी y परिधि कितनी है भाई, 220 मीटर है। ज्ञात कीजिए सड़क बनाने का कुल खर्चा कितना होगा। सड़क बनाने का खर्चा पूछ रहा है और कह रहा है कि यदि सड़क बनाने में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय होता है, तो बात ध्यान दीजिएगा मैदान की परिधि है, मान लो ये मैदान है वृत्ताकार, इसकी त्रिज्या मान लिया मैंने r है, तो इसकी परिधि हमें दे दिया, परिधि कितना दिया है 2πr, 2πr दिया है मेरे भाई 176, कितना है भाई 2176 है, 2πr बराबर 176, पाई का मान रख सकते हैं 22/7 r 176, तो देख लो ये कैंसिल आउट होगा, 22 × 44, 44 से कटेगा 4 बार, स्मॉल r आ गया 28, स्मॉल आर आ गया 28 मीटर। तो आगे कह रहा है कि इसके इसके बाहर बाहरी परिधि, इसके बाहर एक सड़क है, चौड़ाई हमें नहीं पता है, सड़क है मेरे भाई, ठीक है ना, सड़क है, और आउटर परिधि दिया है, आउटर परिधि कितना दिया है मेरे भाई, मान लो ये है कैपिटल आर, ये कितना है मेरे भाई कैपिटल आर है, ये आपका कैपिटल आर है, तो 2π कैपिटल आर बराबर हमें दिया है, कितना दिया है 220 मीटर, तो 2π का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर बराबर दिया है 2π 220, ये कटेगा कितनी बार 10 बार, ये कटेगा कितनी बार 5 बार, कैपिटल आर आपका आ गया 35 मीटर, कैपिटल आर मेरे भाई हमारे पास आ गया 35 मीटर। अब हमसे कह रहा है सड़क बनाना है, तो सबसे पहले सड़क बनाने का खर्चा दिया है, सड़क बनाने का खर्चा 1 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने का खर्चा हमें दिया है 25 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने का खर्चा दिया है, तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि एरिया ऑफ सड़क निकालें, एरिया ऑफ रोड, जो रोड बनी है उसकी उसका एरिया निकालें। तो भाई यहां पे देख लो सड़क का क्षेत्रफल अगर निकालना है, तो सड़क का क्षेत्रफल आएगा कैसे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल करोगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई हमारे पास कॉमन आ गया और पाई का मान मैंने डायरेक्ट रख दिया 22/7, 22/7 रखा, क्या ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई 22/7 रखा, और यहां पे क्या है कैपिटल आर कितना है 35, तो ये 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। अब यहां पे डायरेक्ट फार्मूला लगा दो a प्लस बी ए माइनस बी, 35 और 28 अगर जोड़ोगे तो आएगा 63, कितना आएगा 63, और 35 में 28 घटाओगे 7, ये कट गया, ये आया 22 × 63, 22 × 63 आ गया भाई, तो 22 का 63 से गुणा कर दो, गुणा करोगे 22 का 3 से गुणा 66 कैरी कितना आया 6, 22 का 6 से गुणा 132, 132 में 6 जोड़ दो 138, ये मीटर स्क्वायर आ गया, एरिया ऑफ रोड आ गया 1386 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने का खर्चा हमें पता है 25 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने का खर्चा अगर 25 रुपया है, तो 1386 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने का खर्चा कितना होगा, 25 × 1386, 1386 का 25 से गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा, गुणा कर देते हैं भाई 25 का 6 से गुणा 150 कैरी 15 आया, 25 × 8 = 200, 200 में 15 जोड़ोगे 215 कैरी कितना आया 21, 25 का 3 से गुणा 75 और 21 96 कैरी कितना आया 9, 25 एक कम 25, 25 और 9 34, आंसर आपका आएगा 34,660 रुपया, कुल खर्च कितना आया, कुल खर्चा आया कितना मेरे भाई 34,650 रुपये इज द राइट आंसर, इस टाइप में हम करेंगे, ठीक है भाई, ये आपका सड़क है, ये आपका क्या है भाई सड़क है, इस टाइप में हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से इसको आप नोट डाउन करिए, फिर इसको मैं इरेज करता हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, देखो
ठीक है भाई, इसको मैंने मिटा दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, अगला क्वेश्चन आप घर से करके आइएगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और छोटे छोटे वीडियोस मैं आपको बना के दूंगा, लगभग 20 मिनट का एक वीडियो होगा या 25 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पूरा नहीं देखते, तो छोटे छोटे वीडियोज होंगे तो आप कभी भी देख सकते हैं। ये आपका होमवर्क होगा भाई, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अलविदा करते हैं, फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।